इस्लाम को मानने वाले लोग, उसको अगर आप पढ़ जाएंगे तो इंसानियत की सबसे बड़ी लौ है, वहां नफरत का कोई स्थान नहीं। मैं समझता हूं कि हर पांच हिंदुओं के घर में से एक हिंदू के घर में जरूर से बाबा धर्मराज के साथ मीरा साहब मुस्लिम देव की भी पूजा हुआ। शैतानों का बोलबाला हो गया, अनाचारी व्यभिचारी दुराचारी का बोलबाला हो गया, तो खुदा ने फरिश्ता को भेजा अपने पैगाम को लेकर, जिसका नाम मोहम्मद पैगंबर है। अगर ईश्वर प्रभु परमात्मा जाति के पीछे लगे रहते तो कम से कम अम्बेडकर साहब को तो नहीं पढ़ा। एक नहीं अनेकों हैं, प्रभु बल किन्नी मोहसी दिन्नी मर जाता पूरी तुमरी किन्नी ढोल गवार सुंदर को सुनारी सकल तारना की अधिकारी। मैं भी नाच रहे क्यों तारना करता भी टीकाकार ने वहां शिक्षा कर दिया, मगर 60 वर्ष पहले जो था कस का कस। एक षडयंत्र भी है, क्योंकि ये ज्यादा पॉपुलर हुआ है सुंदरकांड का यह अंश, तो कहीं मातृशक्ति को झकझोर न दे इसलिए उसका अर्थ बदल दे। मातृशक्ति जननी है, पता नहीं तुलसीदास जी को क्या विरोध था मैं नहीं जानता, लेकिन जो अपनी माता से छल कर सकता है अपमान कर सकता है उस भारत भूमि का सही संतान नहीं हो सकता। अद्भुत है, एक नहीं अनेकों हैं, पढ़ूंगा तो शायद मुझे शर्म की सीमा लांघनी पड़ी, मगर अनुरोध करता हूं अरण्यकांड किष्किंधा कांड उत्तर कांड हमारी माताएं बहने जरूर पर आपको अपनी स्थिति का पता चल जाएगा। सुंदरकांड तो सबके सामने कि भाई जातियों क्यों, जातियां क्यों, जेंडर क्यों, जब एक जमाने में जेंडर के सामने भगवान बुद्ध जैसे लोग झुक गए तो तुलसीदास जी आपका आपकी क्या बखत है, पता है ना। मैं ज्यादा तो नहीं पढ़ा हूं इतिहास, पर थोड़ा थोड़ा पढ़ा। बुद्ध विचारों के उत्थान को अगर पढ़ेंगे तो पहला कारण है अस्पृश्यों का सम्मान उन्होंने किया, दूसरा कारण है मातृशक्ति का साथ लिया। आप सबको पता है शास्त्रार्थ में अम्रपाली से वो परास्त हुए, और तीसरा कारण है अहिंसा को लाना। चार बड़े कारण में से तीन बड़े कारण ये हैं। अभी लोग कहते हैं कि उस समय जात पात था ही, अब बता दी अगर नहीं रहती तो सूट कूट क्यों कहा जाता, नहीं रहती सब अछूत सबरी के जूठे बैल का क्या चर्चा होता। भगवान केजी के काल में सुपर भगत का सुपर भगत, कहीं सुपर भगत कहते हैं लोग, कहीं सुपर भगत कहते हैं। और इसी संस्कृति में हमारे वीरेंद्र बोल रहे थे आप कोसी सीमांचल के इलाके में चले जाइए भाई का, अगर होंगे लोग तो यहां जानते होंगे। मैं समझता हूं कि हर पांच हिंदुओं के घर में से एक हिंदू के घर में जरूर से बाबा धर्मराज के साथ मीरा साहब मुस्लिम देव की भी पूजा हुआ। कहां देश को ले जाना चाहते हैं, ईमान खत्म हो गया, शैतानों का बोलबाला हो गया, अनाचारी व्यभिचारी दुराचारी का बोलबाला हो गया, तो खुदा ने फरिश्ता को भेजा अपने पैगाम को लेकर, जिसका नाम मोहम्मद पैगंबर है। आपत्ति हो गई, मुसलमान हो ईमान जिसमें वही होगा मुसलमान, जितना फतवा है मैं 6 महीने तक पढ़ूंगा हराम उसको, मैं विद्वान नहीं मगर हर आयत को पढ़ा और हर दिन एक आयत पढ़ता है, उसका विश्लेषण भी अपने किसी जानकार से कर देता है, क्योंकि मेरे दरवाजे और मेरे घर के बीच में मस्जिद है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरा कलम पाक, जिसको पाक किताब कहते हैं इस्लाम को मानने वाले लोग, उसको अगर आप पढ़ जाएंगे तो इंसानियत की सबसे बड़ी लौ है, वहां नफरत का कोई स्थान नहीं। हमारे प्रभु ने कभी नफरत नहीं सिखाया, नफरत तो हम आप कर रहे हैं कि आप उर्दू में से हिंदी में से उर्दू निकाल क्या भाई मजाक, हम एडॉप्ट करने जा रहे हैं कि साधा ना लिखे शेयर लिखे, धूम सकन विश्राम वाले ना लिखे ट्यूशन लिखे या स्टेशन लिखे जो भी लिखे, और यहां एक एक प्रचार किया जा रहा है। मैं ये समझता हूं ईमान और इंसानियत से बढ़कर की कोई चीज नहीं है,
आपको ईश्वर ने, प्रभु ने, परमात्मा ने, खुदा ने पैदा किया है इंसान के रूप में, तो सनातन में ये बात सब इसे चलती आई है। बड़े भाग मानुष बन पाए, मनुष्य के रूप में पता नहीं कितना क्रूर मैंने जोनी गुजरने के बाद लोग मनुष्य का तन पाता है। और ये दो दिन के लिए मिला है, लाखों करोड़ों वर्ष में 150 वर्ष की कोई गिनती नहीं है मेरे। इसलिए कि इंसान के रूप में मेरा विनम्र अनुरोध होगा कि आप कम से कम 100 की संख्या में जागरूक श्रोता है कि हृदय से नफरत का भाव हटा दीजिए। जिस दिन जाति का भाव हटा दीजिएगा, नफरत का भाव हटा दीजिएगा, उस दिन भारत भूमि को ताकतवर बनाने से कोई रोक नहीं। इंसानियत को जिंदा करना आपको कहां नहीं मिला है? एक बेबस गुर्बत में जीने वाले लोग, एक दुखी लोग, आप अपनी क्षमता के अनुसार अगर उसकी मदद कर देते हैं, प्रभु परमात्मा खुदा ने आपको इसी के लिए पैदा किया है, नफरत के लिए पैदा नहीं। इसलिए जितना भी धर्मशास्त्र है कहीं नफरत का बोलबाला नहीं है, धर्म की स्थापना की ही बात करी है। जब वो पाक किताब हो या हमारा गीता हो या चाहे जो रामायण में जो भी है, नफरत का बात वही लोग किए हैं जिनको समाज में को बांट करके अपनी दुकानदारी चलाने। हम उस राम के भक्त हैं जरूर जो सबरी के जूठे बैर खाते हैं, मगर उसके नहीं जो उसके समर्थक उसके नाम पर व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं या मंदिर में जाने से रोकते हैं। मैं इस विभाग के शिक्षा मंत्री के रूप में आप सभी से विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं, अपना वेबसाइट खोल दीजिए दोनों, और पूरी सूची डाल दीजिए सूचना का, क्या आपके पास किताबें हैं, क्या आपके पास एसेट्स हैं। और जब अच्छा प्रस्ताव जाएगा तो शिक्षा मंत्री तो तैयार है ही, मैं उम्मीद करता हूं कि रेखा जी भी आपका पत्रकार भी है, तो अभी आप बधाई नहीं दी उनको अलग से, मतलब विभाग के लोग भी सहयोग करेंगे अच्छे चीजों का, अच्छे कर्मों का, हर लोग सहयोग करेंगे। इसलिए सत्येंद्र बाबू अगर आप में दिखता है कि ऐसी कोशिश में आप लगे हैं तो विचार मत करिए, कट डाल। जो विचार करते रहेंगे तो विचार होता ही रहेगा, जब कट डालिएगा तो फिर हर जो मालोचक पैदा हुए हैं उसको नोटिस नहीं करिएगा। मैं याद करते हुए इंसानियत जिंदा हो, ईमान वालों के लिए इस्लाम आया, अब बेईमान वाला भी अपने आप को मुसलमान कहता है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।